हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। अरे आसिया, कैन यू हियर मी? यस सर। आसिया कहाँ तक हुआ था? सब बेसिक कैरेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन कराया था। केस फर्स्ट पोलर सॉल्वेंट आसिया में। यस सर, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट गैस फेज में बेसिक कैरेक्टर लिखवाया था आपने। नॉन पोलर में बेसिक कैरेक्टर सिर्फ प्लस आई पे डिपेंड करता है। अब आइए, बेसिक कैरेक्टर इन पोलर सॉल्वेंट। तो इन पोलर सॉल्वेंट देखिए, पोलर सॉल्वेंट में बेसिक कैरेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन ओनली प्लस आई, समझा? इसलिए क्योंकि इसमें इसलिए दो केस पर रहे हैं, क्योंकि तीनों अमीन का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो इसलिए याद रखें कि बेसिक कैरेक्टर जो है अमीन का दो केसेस में है, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर में एज यूजुअल रहेगा, पोलर में हम सिर्फ प्लस आई को देख कर आंसर नहीं देंगे। इसलिए इसमें देखिएगा टर्शियरी अमीन मोर बेसिक नहीं है। अब हम तीनों फैक्टर को अलग अलग पढ़ेंगे। एक तो प्लस आई आप जानते ही पढ़ लिया है, सॉल्वेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है, स्ट्रीक का क्या मतलब होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक लिख लिया आपने? यस सर। It refers to protonated amine का मतलब ही हुआ conjugate acid।
Through hydrogen bond with water. बाकी काम हो गया अब क्या कीजिए हमारे ये लिख लिया था आपने yes, sir. तो देखिए कंजुगेट एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड क्लास से सबसे ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी अमीन अगर हम सॉल्वेशन इफेक्ट को देखें तो प्राइमरी अमीन को ही मोर बेसिक होना चाहिए क्योंकि वाटर के साथ तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन मुझे एक फैक्टर को नहीं देखना है तीन फैक्टर को मिला के ओवरऑल ऑर्डर आएगा ये स्लाइड लिख लिया yes, sir. It refers to crowding of alkyl group around nitrogen atom. देखिए due to which क्या होगा? Electron density तो बढ़ रही है plus I की वजह से. Electron density
रिलीज तो हो रही है बट path of h plus becomes blocked. h plus के आने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो बेसिक करेक्टर घटेगा. सर यही बात है अल्कोहल में क्यों नहीं कहते. देखिए अल्कोहल में इधर देखें सर, इधर CH3 CH3 O के पास कोई बल्क एल्कोहल, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली मिथाइल अटैच्ड है. हाँ या ना जल्दी बताइए, बोलिए. हेलो. यस सर. इसलिए यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर को लिया गया. स्टेरिक फैक्टर सबसे ज्यादा टर्शरी अमीन में है, सबसे कम प्राइमरी अमीन में. स्टेरिक फैक्टर के लिहाज से भी टर्शरी अमीन को लेस बेसिक होना चाहिए. स्टेरिक फैक्टर टर्शरी अल्कोहल में क्यों नहीं देखा गया, इसलिए नहीं देखा गया कि वहाँ O पे अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन पर है. इसलिए वहाँ सारा आंसर प्लस आई इफेक्ट को देखकर आपने दिया. यस सर. इसलिए आइए. यस सर. वेरी गुड. अब आइए कंक्लूजन है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे बताएंगे. याद रखिए if R is equal to methyl group अगर है तो secondary amine सबसे ज्यादा basic, फिर primary amine, फिर tertiary amine. यही कोई आपसे logic पूछे ऐसा क्यों, तो वही कहिए कि polar solvent में basic character सिर्फ plus I पे depend नहीं करता है, other दो factor पर भी depend करता है. जब बहुत तो एक भी चीज बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा तो उसका ऑर्डर डायरेक्ट बताना मुश्किल होता है. इसलिए इस बेसिस पर केबी और पीकेबी के वैल्यू पर ये ऑर्डर है. आप सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसा. जब R इज इक्वल टू C2H5 होगा तो देखिए मोर बेसिक तो सेकेंडरी अमीन ही होगा, उसके बाद टर्शियरी अमीन, क्योंकि आप प्लस साइज ज्यादा बढ़ गया, टर्शियरी अमीन, फिर अमोन, फिर प्राइमरी अमीन, फिर NH3. डन सर. तो ये पूरा बेसिक करेक्टर आपने पढ़ लिया. गोनिडीन का बता दिया था मैंने. यस सर. चलिए अब आइए
लिखिएगा। यस सर। चलिए भाई ये केमिकल प्रॉपर्टीज। Done, sir. क्लियर। यस सर।
done sir. अब ये टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसलिए टर्शरी अमीन does not react with lisyl chloride. इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, आपको प्राइमरी अमीन है तो मैंने कहा HCl हटा दीजिए, NH COCl as it is. ये सेकेंडरी अमाइड हो गया, इसका नाम होगा N-phenyl. उसी को कहते हैं एसिटिनिलाइड, ये भी आगे भी आएगा. नीर से गर्म हो रहा है. इसमें भी CH3 CO है, NH है, CCH वही सेम प्रोडक्ट बनेगा. तो ये आया समझ में? Yes sir. गुड. चलिए, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज थी. अब दूसरा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन. कार्बाइल अमीन reaction when primary aliphatic and
primary aromatic. Reacts with समझ में आया, तो इसमें हम सोल स्मेलिंग सड़े हुए की तरह आता है इसमें, इसको हम इसको टेस्ट के काम, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन ही देगा. हाउ टू डिस्टिंग केमिकल टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये रिएक्शन लिख सकते हैं. डन सर. आर एन एस टू है, क्लोरोफॉर्म है, प्लस अल्कोहलिक KOH है, तीन सीएल है, तो तीन. इसको मैं बताऊंगा कैसे हुआ. आर एन सी वाई माइनस आइसोसाइनाइड प्लस थ्री के सी एल, तो मैकेनिज्म ही से पता चलेगा कि प्राइमरी अमीन ही क्यों देता था. और इसमें क्लोरोफॉर्म रिमर्टिमन में भी लिया गया था. देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, इसका हाइड्रोजन जो है ये खींचेगा CCl3- प्लस वाटर हो गया. और यहाँ तक देखिए सी पे सीएल थ्री माइनस है, चार बर्दाश्त नहीं करेगा, तो पहले से जो है प्लस आया सीएल. और आपने रिमल्टीमन में पढ़ा था उसको कहते हैं डाई क्लोरो dancer.
बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है, इसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए तीन है, यहाँ तीन अल्कोहलिक वेट इसलिए लिया गया, तीन वाटर। अब बताइए पहले स्टेप में CCl2 से रिएक्शन करने के लिए दो हाइड्रोजन होना चाहिए, एक मीटर के दूरी आया है। एवरीवन, इसलिए ये रिएक्शन हाँ सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है, सेकेंडरी अमीन में एक ही हाइड्रोजन होता है तो कर ही नहीं पाएगा। हाँ लिख लिया, यस सर।
सीएस3 एनसी बनेगा, तो यहाँ आना, यहाँ पर फिनाइल पे एनसी बनेगा, ये लिखा है आप लोगों ने। यस सर। अब देखिए यहाँ पर ए क्या लिखा है आपने, अमाइड, याद है अमोनिया के साथ हीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को तो अमाइड बनेगा। बी जो है हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ माइन, हॉफमैन डिग्रेडेशन में अमाइड का बनाने का सीओ को काट दीजिए सीएस3 एनसी, सी जो है वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है सीएस3 एनसी। क्लियर? यस सर। दूसरा है विंसबर्ग टेस्ट, यहाँ तक लिख लिया आपने। तो ये देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। अब देखिए तीनों अमीन कैसे रिएक्शंस करेगा, पहला पार्ट लिखिए।
रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन पहले तो ये रिएक्शन देगा अमीन विद इट्स फर्स्ट रिएजेंट गिव्स एन अल्काइन बेंजीन सल्फोनियम आयन. इसी में क्या क्या है डू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इट फॉर्म्स सोल्युबल सॉलिड विथ एक्वस क्लोराइड. अगर सोल्युबल सॉल्ट बन जाए तो हम समझ जाएंगे प्राइमरी अमीन इसमें कैसे रिएक्शन है. ये तो आपके पास बेंजीन हिंसबर्ग रिएजेंट है प्लस RnS2 इसका रिएक्शन वही एसाइल क्लोराइड की तरह कराइए इस Cl हटाइए एज इट इज लिखिए तो आपके पास ये बन जाएगा इस डबल बॉन्ड ओ NHR. अब ये फर्दर उसी वक्त जब लैब में करेंगे एक्वस क्लोरेज ये एसिडिक हाइड्रोजन है ये सोल्युबल सॉल्ट बना लेगा. उस सोचिए सेकेंडरी अमीन में तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होता है रिएक्शंस तो करेगा लेकिन सोल्युबल सॉल्ट नहीं बना पाएगा इनसोल्युबल सॉल्ट एन आर जे प्लस माइनस दिस इज कॉल्ड सोल्युबल सॉल्ट. समझ में बात आई हाँ या ना जल्दी बताइए. सेकेंडरी अमीन सल्फोनेमाइड बनाएगा लेकिन फर्दर एक्वस क्लोराइड के साथ इनसोल्युबल सॉल्ट बनाएगा. टर्शियरी अमीन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो एक हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा. आया समझ में. हेलो हाँ लिख लिया आपने. हेलो हेलो एवरीवन लिख लिया था. यस Thank you.
यहाँ देखिए तो ये इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये इनसोल्युबल सॉल्ट बना रहा है। लिख लिया? Yes. अरे आसिया आपको कितना नंबर आया आसिया? Yes sir, 31. माशाल्लाह, very good. कल एक एक्स्ट्रा लास्ट क्लास लगा के मैं खत्म कर दूंगा इसको, सुना? हेलो, 4 बजे फ्री है ना आप लोग दोनों? यस सर। हाँ तो कल जाएगा मैसेज, नहीं तो मैं ही मैसेज कर दूंगा। डज नॉट गिव टेस्ट। अरे स्वस्ति, आपका नंबर है ना मेरे पास, एक दफा हेलो करके भेजिए तो। यस सर, अभी भेजिए, नहीं मैनेजमेंट भूल जाएगा तो मैं खुद मैसेज करूँगा। हाँ लिख लिया, डेसरेमी डज नॉट गिव टेस्ट विद हाइंसबर्ग रिएजेंट। यस। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको तो दुआ की तरह याद कर लेंगे, कन्वर्जन में बहुत काम आएगा ये, कन्वर्जन में भी और टेस्ट के फॉर्म में तो आई है नाइट्रस एसिड टेस्ट। इस चैप्टर का मोस्टली कन्वर्जन इसके बगैर नहीं हो पाएगा, सुनिए। इसमें 3 पार्ट है, पहला पार्ट रिएक्शन ऑफ 1 degree amine, with nitrous acid. Gives alcohol. With bubbles of nitrogen gas. और गैस का निकलना, बाकी सेकेंडरी एमन बबल्स ऑफ गैस नहीं देखा, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो याद रखो नाइट्रस एसिड का प्राइमरी अमीन है नाइट्रस एसिड, एच डबल बॉन्ड एनो लिखते हैं, देखो यहाँ अल्कोहल, मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, N2 प्लस N2 गैस ब्रिस्क एवरवेसेंस शो करेगा। अरे सो इसलिए इसमें कार्बोकेटाइन भी बनता है, मैं अभी मैकेनिज्म बताऊंगा। कार्बोकेटाइन जहाँ बनता है तो रीअरेंजमेंट, पहली बात तो ये इसको 10 दफा समझना है आपको। अमीन को, प्राइमरी अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप नाइट्रस एसिड लाएंगे, सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। सर अरे स्वस्ति हेलो करके भेजे ना जल्दी। चल मैं ये, अरे आसिया आपका नंबर है तो वही है ना पुराना वाला? यस सर, 79 वाला।
एक मिनट, आसिया इलेवेंथ, ओके ओके ओके, 7982 वाला है ना? यस वही है। थैंक यू सर, भेज दिया। हाँ 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 आ गया। चलिए लिख लीजिए। तो इसकी मैकेनिज्म सिर्फ नॉलेज के लिए, जो इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो देखिए HNO2 है, देखिए यहाँ से। अच्छा देखिए एक बात और है यहाँ पर, कि आपको जानबूझ के एग्जामिनर HNO2 C2 में भी ला सकते हैं, ये ऐसे भी जानबूझ के दे देगा NO2 प्लस HCl। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों का मिक्सचर HNO2 लाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भी प्रोडक्ट ROH प्लस N2 गैस प्लस H2O बनेगा, इसलिए मैं बता दिया कि यहाँ देखिए HNO2 है, HCl से H प्लस आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना O नेगेटिव N पे डबल बॉन्ड, ये हो गया प्लस। पहला काम तो ये हुआ, पहले स्टेप में RnS2 है, इसलिए बताना जरूरी है कि बहुत सारी चीजें बताई जाती है मैकेनिज्म में, बहुत सारी बातें समझ में आएगी। इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक, देखिए RnH है, H है, N डबल बॉन्ड हो गए, इस N पर प्लस चार्ज आया, ऑक्सीजन ये प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो आपके पास हो जाएगा RnH, N डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होती है, RN, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, बस इतना समझ गए, मुझे डायरेक्ट बता, फिर H प्लस आता तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, यहाँ से ब्रेक होगा, H प्लस आएगा, इस पर अटैक करेगा, फिर वाटर निकल जाएगा, तो देखिए क्या बना, N डबल बॉन्ड O प्लस, अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो देखिए क्या बन गया, RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में RN2 प्लस अल्काइल डाइजोनियम। जैसे पढ़ाता ना सेंट मेरियर रिएक्शन में, बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ पर R की जगह C6H5 ले लेंगे, तो बेंजीन अल्काइल डाइजोनियम आए। ये बिहारी हाईली अनस्टेबल, N2 बिहेव्स एज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये कहेगा हम भागेंगे तुम्हारे यहाँ से। तो देखिए क्या कार्बोकेटाइन बना कि नहीं, जल्दी बोलिए स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, हेलो, जल्दी बताइए ना। यस सर, यही आर प्लस, देखिए पहले स्टेप में जो OH बना उससे अल्कोहल बना लेगा, ये मैकेनिज्म सिर्फ माइंड में रखना है, जल्दी लिखिए। डांसर पढ़ के रखिएगा, कल मुलाकात होगी लास्ट क्लास चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।